बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेक फूड में आप सबका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला गोश्त। सबसे पहले हम एक बर्तन में प्याज डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसमें 2 कप पानी के शामिल कर देंगे। फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे। फिर इसमें हम पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। पिसा हुआ धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से हिलाने के बाद दम पे लगा देंगे। 5 मिनट बाद दम हटाएंगे और हम फिर इसमें करेले शामिल कर देंगे थोड़े से पानी में, और इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे। और इनको 3 मिनट बाद जब हम इसका दम खोलेंगे तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। जब गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे और साथ फिर इसमें घी भी साथ शामिल कर देंगे 2 चम्मच, और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी फिर इसमें हम प्याज जो हमने पहले से काटे हुए होंगे वो शामिल कर देंगे, और टमाटर, और साथ ही इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। करेले की ये रेसिपी कड़वी नहीं होती। अगर आपके करेले कड़वे हो जाते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी हमें ज़रूर फीडबैक इस पर दिया करें। आप सबको हमारे लिए प्यार रखें और इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना चाहिए। ये रेसिपी अगर आपके करेले कड़वे हो जाते हैं तो ये करेले के लिए रेसिपी कड़वी नहीं होती।